आज मुंबई में फिल्म हाउसफुल 4 का ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट यहां प्रेजेंट हुए और सभी अपनी फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे और इस मौके पर एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने अपने गेटअप में नजर आए। इसके अलावा इन्होंने मीडिया से भी बातें की और मीडिया से बातें करते वक्त बहुत ही एक्साइटेड लगे। सबसे पहले अक्षय कुमार ने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर पहले साजिद खान थे, उन्होंने 60% फिल्म की शूटिंग की लेकिन आज इस फिल्म के डायरेक्टर तैयार हैं फरहाद सैनी। इसके अलावा सभी ने यहाँ पर अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बातें की और यहाँ पर एक दूसरे के लग पुलिंग करते हुए भी नजर आए। यहाँ पे सारे फैंस आए हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से खुद जाने कि हाउसफुल 4 पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लीज कृति, विल स्टार्ट विद यू। पहली तो सबको नमस्ते एंड आई होप यू ऑल लव द ट्रेलर, वी लव इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहली बात तो आप सब इधर आए उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। सेकेंड ऑफ ऑल, यू नो वॉट, इट्स द मेन नेम्स ऑफ कोर्स विच वी नीड टू थैंक, वी डू थैंक, बट दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर द एंटायर यूनिट, एवरीबडी, वी वर्क डे एंड नाइट एंड आई वॉन्ट कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। उनका टीम एफर्ट दिख रहा है यहाँ पर। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है एंड आई थिंक इट्स गोना लुक फैंटास्टिक एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड द ट्रेलर एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द फिल्म। आई हैव द बेस्ट टाइम, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला है। आई एम अ पार्ट ऑफ हाउसफुल, आई मीन इट्स काइंड ऑफ अनरियल, सो थैंक यू। पूजा क्या कहेंगी? पहले तो धन्यवाद मीडिया वालों को कि देव एक्चुअली आई एम वॉचिंग देम, दे वर डांसिंग वाइल द सॉन्ग वॉज प्लेइंग, सो थैंक यू। बट आई थिंक ये फिल्म शूट करते वक्त हमें इतना मज़ा आया है कि वो फिल्म में ट्रांसलेट हो रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म विच इज़ गोना रिलीज ऑन दिवाली एंड टेक योर फैमिलीज वॉच इट एंड इट्स गोना बी a laugh riot for all of y'all and thank you to Nadia sir, Akshay sir, for you know giving me this opportunity to be a part of the film. Just y'all are gonna enjoy so much, y'all are gonna laugh a lot, so I think y'all are gonna have a lot of fun. All right, Kriti Sanon, kya kehna hai? Sanon, mera itna man karta hai tumhe ke Sanon ka non ho jata hai kyunki mera mon kar raha tha. Anyway, bole please. Pehli baat to trailer kaisa laga? हैप्पी दिवाली लग रही है? हाउसफुल वाली लग रही है? सो आई फील अक्षय वाली लग रही है? वाओ, सबकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है हमें। अच्छा, एक सेकंड आ रहे हैं, वहां तक भी आ रहे हैं। ओके जी, आई फील आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंड ऐसा लग रहा था हम हॉलिडे पे थे, मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते हमने शूट कर लिया फिल्म एंड आई थिंक दैट फन इज एक्चुअली विजिबल ऑन द स्क्रीन एंड आई होप यू ऑल हैव लव द ट्रेलर एंड यू ऑल विल लव दिस फिल्म ऑल्सो। री इनकार्नेशन कॉमेडी आई डोंट थिंक कहीं पे भी बनी है, कहीं पे भी की गई है, ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और आई एम सो हैप्पी दैट साजन नाडियाडवाला सर एंड द एंटायर टीम सॉर्ट ऑफ केम अप विद दिस एंड बहुत मेहनत गई है, बट आप सबके लिए है, सो प्लीज हैव फन ऑन दिवाली विद हाउसफुल 4। बॉबी सर आप क्या कहेंगे? बॉबी साहब माइक नहीं, एक मिनट माइक लाया नहीं, माइक लाए हैं इसका, लाए है महाराज। अरे चुप बैठ, लाए हैं माइक, माइक लाए हैं, कहाँ है? सो से योर लाइन, से योर लाइन, से योर लाइन, और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में। बॉबी आई यू श्योर यू वांट टू टॉक विद दैट? हाँ, ये माइक ठीक है, कैसे हैं सब लोग? चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ सबको देख के यहाँ पर, और हमारे तीनों खूबसूरत हीरोइनों ने इतनी खुशी जाहिर कर दी है, इतना कह दिया इन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि
मुझे जो मौका मिला आज इस फिल्म में एक हिस्सा बनने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम. साजिद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस फिल्म. अच्छे भैया, थैंक यू सो मच. एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड टू हैव ऑल द फन विच हाउसफुल ऑलवेज हैज. एंड हाउसफुल 4 इज अ क्रेजी फिल्म विथ, जैसे आप हमारी आउटफिट्स देख रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, इतनी गर्मी में घूम रहे इस वक्त तो, लेकिन शूटिंग के दौरान भी जो गर्मी थी आपको पता नहीं. एनीवे, थैंक यू सो मच. और मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे बांगरू महाराज जी को जिन्होंने मुझे अपना माइक दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है. जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, बॉबी का नाम चिल्ला रहे हैं, बट आई लव अक्षय कुमार स्पीयरहेडिंग दिस फ्रेंचाइज एंड प्लीज एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय. थैंक यू वेरी मच. लेकिन हाउसफुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है मेरे लिए, मेरे करियर की सबसे बड़ी जर्नी रही है. और पिछले 12-15 सालों से आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव वर्कड विथ साजिद भाई एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड अक्षय, एंड नाउ इट्स दे आर लाइक फैमिली टू मी. तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे आया हूँ. सो थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी. आई वॉन्ट टू थैंक अक्षय राइट फ्रॉम हे बीबी टू हाउसफुल 1, 2, 3 एंड नाउ 4. इट्स बीन ग्रेट. बॉबी आई बीन वर्किंग विथ हिम आफ्टर a long time, but this is my third film, and the wonderful and my beautiful co-stars, all three of them, it's been such a pleasure working with them, for the first time working with them, so it's been great. Associating Fox has always been fun, and thank you so much. I shapat tumhala maja yenar aahe guys. But Bangru Maharaj, I really want to know kya kya chupa rakha hai us tehkhane mein. और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में? कभी आओ हमारे हवेली. ऑलराइट, अब मैं चाहूंगा बात की जाए अक्षय सर से. हेलो, नमस्ते. सबसे पहले आप सभी का पीछे जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इतने दूर दूर जगह से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. और साथ में आप लोगों को बताऊं कि ये लाइव जा रहा है, दुबई से कई लोग बैठे हुए हैं. नमस्कार, हेलो एवरीवन देम, मेलबर्न गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, फॉर सपोर्टिंग आवर मूवी. एंड वेयर इज, और कहाँ है, लंदन भी तो था ना, लंदन कहाँ गया, लंदन, हेलो लंदन, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब. जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाले के लिए. इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. अच्छा, जब तक स्कूल में बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा. अच्छा, 600 साल पहले हुए हैं. और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके जाते. बिल्कुल. तो हम, मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन, मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी, 12-15. क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, सबके सबका सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. तो चलिए, ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब, और साथ में रितेश देशमुख, जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं. इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूँ मैं, इनके साथ बैठ के बातें करता हूँ. बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं. फिर साथ में बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ. दोस्ती मनीष, ओए अभी और वतन
अब तुम्हारे हवाले वतन साथी साथी और थैंक यू नहीं इसका मेरे मतलब साथ जो है दो कृति मैंने आज नाम सही बोला है नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ कीर्ति बोल देता हूँ लेकिन आज सही और बोला दूसरी है पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा हाँ, तो वहाँ पे कृति निकल रहा ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूजा एक ही पूजा एक ही पूजा और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल फोर है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ उसके बाद फोर्थ पे आए वो एक ऐसे इंसान है आ जाओ फोन पे मत रह सभी जानते हैं आखिर क्या नाम है इसका आखिरी पास्ता इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है ये हमारी ये समझ लीजिए प्लेट में सॉस रख लो अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या ये हमारी वही चीज अन्नपूर्णा है सर ये वही चीज है बहुत ही दिलचस्प इंसान है इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है भर भर के अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे मम्मा मिया इज जोकिंग आई एम नॉट जोकिंग थैंक यू तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक एक मिनट के लिए दिया याद रखना ओके कि मुझे अबे चार चार टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स बॉबी अक्षय रितेश एंड थैंक यू साजिद भाई थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी और डबल धमाल होने वाला है इसमें थैंक यू जी वास्को डा गामा मेरा मामा बैठ जा अब कोई जगह दो यार इसको टाप लो आर यू सीरियस नहीं नहीं मैडम 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 यू डोंट गेट अप मैडम इतनी इज्जत नहीं उसको ओके अब आपसे आपको एक एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है जिस हिसाब से मतलब ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं जो कैमरामैन साहब है हमारे मैं इनको बुलाना चाहूंगा सर आप कुछ बोलना चाहेंगे पहले पूछ लेता हूँ फिर शक्ल तो दिखा दो सुदीप दादा कौन सी फिल्में की आपने पहले बताइए सबको जाने मन मेरी नहीं बाकी और भी पद्मावत पद्मावत और बाजीराव मस्तानी अरे कोई नहीं मारेगा बोलो दिस वाज ग्रेट फन आई होप यू गाइस एंजॉय इट और कोई अरे मेरी बेबी बेबी वाली जो फिल्म थी बेबी वो भूल गए वो भी इन्होंने किया है मेरे लिए ये बहुत ही लकी कैमरामैन है ये मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना वो भी आपको साफ साफ नजर आता है ये इनका काम है भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका थैंक यू सुदीप दा और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे थैंक यू साजिद भाई ओके सो अब हम आगे चलते हैं अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं डायरेक्टर साहब फरहाद फरहाद साम जी उन्होंने हमारी फिल्म डायरेक्ट की है फरहाद जी कुछ कहेंगे आप इट्स एन ऑनर इट्स अ प्लेजर हाउसफुल फोर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते हैं उतना प्रेशर इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके हम लोग ने मेहनत की है हिम्मत की है कोशिश की है
जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखे और सर आए, दैट्स इट। और अगर आप अपना नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है। एक्चुअली वो टेंशन में थे इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे तो टोपी पे लिख लिया। आओ इधर आओ फरहाद, अब हो गया। ओके अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ, ये वैसे आपको बता दूं बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ दो शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है। तो साजिद साहब आइए। कहाँ से शुरू करो? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से। 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे। मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे। आप बताइए जब हम, मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये सातवीं में था, लेकिन जब मैं दसवीं में पहुंचा तो ये तीन साल आगे था। बताइए क्यों? क्योंकि मैं दो साल फेल हो गया था। तो हम लोगों ने एक ही बस में ट्रैवल किया 255 में, और वहाँ से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मैं, मुझे लगता बस का बिल मैं ही भरता था टिकट। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, दो तीन दिन का डिफरेंस में, अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे, इससे ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियाँ भी हैं, सेम गाड़ियाँ हैं। और ये बताएं कि ये इत्तफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ, ये कसम से बाय गॉड इत्तफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इससे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तफाकी बात है काफ़ी मेलजोल रहा एक दूसरे के साथ। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट प्रोड्यूसर फॉर मी एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द गर्ल्स ऑल द गाइज। इट्स वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक, एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, बट टू गेट ऑल एंड टेक ऑल द एक्टर्स ईगो इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है। कौन सा ईगो? किसकी ईगो? टू सेटल देम, टू पैसिफाई देम, इट्स नॉट इजी। आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का एटीट्यूड क्या होता है। तो बट थैंक गॉड वी हैव डन अ ग्रेट प्रोडक्ट। आई एंजॉय मेकिंग, वी ग्रोन अप ऑन राजकुमार कोहली काइंड ऑफ फिल्म्स, जहाँ आठ आठ छः छः नौ नौ एक्टर्स होते थे। So we've been enjoying this and I hope you all enjoy this film and we are successful again. Thank you. And now, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, the studio, the fox, the धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं की थी हमें। हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। आई रियली वॉन्ट थैंक ऑल द मीडिया एंड ऑल द फैंस एंड इन पर्टिकुलर वी गॉट लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स इन मेलबर्न, दुबई एंड लंडन, हु ऑल सॉर्ट ऑफ पुट दैट एवरीथिंग असाइड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस। लेट मी टेल यू, एट फॉक्स वी आर रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हाउसफुल 4। इट इज अ मैड कॉमेडी, इट इज द दिवाली फिल्म, एंड एज फॉक्स वी हैड सम ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chachore. So thank you very much once again and really really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. Aur ab before the media starts asking questions, ek aise insaan, matlab hum sab chahenge ki sabka luck jo hai unki tarah rahe aur unki wajah se, मतलब चले गए तो मैं क्यों बुला रहा हूँ? तू बेसम भी रहेगा, कहाँ है? नहीं। चले गए, चलो छोड़ो। मनीष, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड अब बारी है मीडिया के क्वेश्चंस की। अभी कुर्सियां मिलेंगी, ऐसे ही रहना? सर नहीं, मंगाई है सर, सर बाजू से लेके आए हैं, यहाँ खत्म हो गई थी। ओके, सो देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने फिल्म बनाई मिशन मंगल, एंड जब फिल्म शुरू की थी हमने, एंड इन एवरी अदर कंपनी व्हाट आई नो, इवन इन साजिद नाडियाडवाला'स कंपनी एंड इन एवरी प्रोडक्शन नाउ डेज देर इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफिसर्स, दे आर ऑल देयर एंड दे मेक श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग
They are there to take the complaints. They know everything what is happening. So there has been a lot of security done. And we don't want any kind of misbehaving happening or any kind of thing. So aise kai sari cheeze hain jo ki hui hain is waqt filhal. Yeah. So one more thing. Sajid Khan has reportedly directed 60% of Houseful 4. Why isn't he sharing any credit with Farhad Samji? Well, you're right. 60% he has directed it. But I'll tell you another thing also, that this call is a studio call. And that is how it is going to happen now. Let me say that they have to take the call, what is going to happen and what not going to happen. Akshay sir, your center, Rahul here from the Filmi Charcha. सबसे पहले तो मिशन मंगल के लिए सर बहुत बहुत सक्सेस के लिए बधाई सर. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के रन मशीन माने जाते हैं विराट कोहली, ऐसे आप बॉलीवुड के आप सर बॉक्स ऑफिस मशीन बन चुके हैं सर. हर इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है कि आपको पता होता है कि ये फिल्म 100 करोड़ पार जाएगी, आप वही फिल्म हाँ बोलते, सीक्रेट क्या है इसके पीछे सर? मैं ज़्यादा करके आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात में हाँ पे हाँ डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70% लक होता है, सो 30% हार्डवर्क होता है. मैं उस सोच विचार का इंसान हूँ, तो 70% मैं मानता हूँ लक की वजह से, तो मैं यही समझता हूँ.